जय बारसना, जय माँ भारती। प्रिय मित्रों, सभी को मेरा हृदय से आशीर्वाद। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राजनीति आज जंग लगी हुई प्रतीत हो रही है। सभी को पता नहीं, मेरे देश की संविधान ने, मेरे देश के कोर्ट ने, मेरे देश के न्यायालय ने, मेरे देश के वकीलों ने, मेरे देश के जज लोगों ने और मेरे देश के नेताओं ने मेरे देश को क्या समझ रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति जीने की अभिलाषा छोड़ चुका है। कोई व्यक्ति जीना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति को सुख नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, अमन नहीं मिल रहा है। जो व्यक्ति जीवन जीना चाहता है उसे सबसे पर्याप्त यदि किसी साधन की आवश्यकता होती है तो भोजन, वस्त्र और निवारा, रहने की व्यवस्था। आज की इस विषम परिस्थिति में व्यक्ति को भोजन की जो आवश्यकता है वो भोजन ही उसे दुर्लभ मात्रा में मिल रहा है। हर दिन कोई चीज का भाव बढ़ गया, कोई चीज का भाव बढ़ गया, कुछ न कुछ होते ही रहता है। हम देखते हैं, हमें बड़ी ये विषम परिस्थिति है, विटंबना है मेरे देश की। ये क्या हो रहा है? जब कभी मेरे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मेरे देश को हजारों हजारों यवनों ने लूटा, हजारों हजारों आक्रांताओं ने लूटा, लेकिन फिर भी मेरे देश का सोना, मेरे देश का गोल्ड, मेरे देश का धन संपत्ति, मेरे देश का वैभव, मेरे देश की शांति, मेरे देश का सुख और अमन कभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन आज इन 20-25 सालों में न जाने क्या हो रहा है, पता नहीं चलता। मैंने एक पोस्ट बनाई थी परसों, पोस्ट डाली थी ग्रुपों में, फेसबुक पर कल ही डाली थी, और मैंने लिखा था वहां पर कि टमाटर के लिए टमाटर क्या भाव है मुझे तो पता नहीं, पर मैंने मार्केट की स्थिति को देखा और जब मैंने देखा तब मैंने वहां पर अपने शब्दों से मैंने वहां कुछ पोस्ट बनाई। बहुत सारे मित्र सदस्य है जो उन्होंने उसको लाइक किया, पसंद किया, 200-225 लोगों ने उसे शेयर कर लिया 4 घंटों में। तो ये बहुत आनंद का विषय है कि आप मेरे शब्दों को सुनते हो, समझते हो और उसे ग्रहण करते हो, शेयर करते हो। तो मेरा सभी को बहुत आशीर्वाद है कि आप मुझे सुनते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, नहीं। यदि आपको विचार अच्छे लगते तो जरूर करो, और यदि विचार अच्छे नहीं लगते तो सभ्य भाषा में वहां पर अपनी कमेंट्स करो, जवाब अवश्य मिलेगा। टमाटर महंगा हो गया तो सबके दिमाग में वो टमाटर ही घुसा हुआ है। हर व्यक्ति को किचन में टमाटर दिखता है। जो कभी टमाटर खाता नहीं होगा वो भी टमाटर की भाषा इस्तेमाल करने लगा, टमाटर दिखाई दे रहा है। बाकी की खाने की चीजें तुम्हारे किचन में तुम्हें मिलती नहीं है क्या? केवल टमाटर ही तुम खाते हो, टमाटर का ही सूप पीते हो, टमाटर की सब्जियां खाते हो, टमाटर की रोटियां बनाते हो क्या? नहीं ना। तो मेरे भाइयों, हमारे किसान भाइयों के लिए तो सोचो, जो जिंदगी भर भी गधे जैसा, बैल जैसा जिंदगी जीता है, फटे हुए वस्त्रों को पहनता है, भरी बारिश, भयानक गर्मी, कड़कड़ाती ठंड में कंपता है उसका शरीर। मैंने कई किसानों को देखा है, 10,000 के लिए बैंक से लोन लेते हुए और आत्महत्या करते हुए मैंने ऐसे किसान भी देखे हैं। बड़ी विटंबना, बड़ा दुख होता है कि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला मेरा देश क्या यही भारत है? मैं किसी पक्ष की तरफदारी नहीं करता, और जब मैं किसी पक्ष की बात करता हूं तो समर्थन करता हूं, तो समझना कि उसके अंदर कुछ तो रहस्य होगा, सत्य होगा। क्योंकि मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी मेरा आश्रम चलाने के लिए पैसा नहीं देती, कोई मोदी साहब मेरे यहां तनख्वाह नहीं भेजते हैं, और मुझे जरूरत ही नहीं है। आज तक मेरे तीर्थ में किसी का दान नहीं आया, ना मैं किसी का दान लेता हूं। जो देते हो मेरे गुप्त दान देने वाले मेरे शिष्य हैं, वो आगे की बात है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शब्दों को संभाल करके बोलिए, देश को संभालिए, देश के संविधान को समझिए। संविधान को रचने वाले चले गए, संविधान को बनाने वाले वो अंग्रेज थे, वो चले गए, और वही घसीटा पसीटा संविधान आज हम लोगों पर लागू कर दिया। कोई दलील? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया राम मंदिर और मस्जिद के बारे में। मुसलमान और हिंदू एक जगह पर आइए, निर्णय लीजिए, और उस निर्णय में जो भी निर्णय आप लोग लोगे वो आप लोग बैठ करके हम लोग उसको स्वीकृत करेंगे। अरे मूर्ख समझते हो क्या हिंदुस्तानियों को? तो फिर कानून काय के लिए बनाया? कोर्ट की क्यों बनाया? कोर्ट किसके लिए है? 25 सालों से घसीटते हुए लोगों की चप्पलें घसीट गई, लाखों रुपया करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ, कई लोग मारे गए, मर गए, नृशंस हत्याकांड हुआ, और आज आप लोग बोलते हो कि हिंदू और मुसलमान बैठ करके संवेदनशील मामला। अरे कोर्ट के लिए काय का संवेदनशील? जहां प्रमाण आपके सामने साक्ष्य रूप से है तो आपको निर्णय दे देना चाहिए। जब निर्णय नहीं देना सीखते हो, एक अफजल गुरु को बचाने के लिए आपके कोर्ट के दरवाजे 3 बजे खोलते हैं, आप कैसे कहे कि हम आप पर विश्वस्त रहे? लाखों करोड़ों करोड़ों पेंडिंग है पोस्ट जो डेस्क पर ही नहीं आती, बोर्ड पर ही नहीं आती। वकील अपना पेट भरते हैं, लोग मरते, अपने बीवी का सोना तक बेचते, मंगलसूत्र बेचते हुए ऐसी कई महिलाओं को मैंने देखा है जो वकीलों की, काले कोर्ट वाले जितने होते हैं ना, सभी लोग नहीं, मेरे भी कुछ बहुत अच्छे शिष्य हैं, मुझे सुनने वाले भी काले कोट वाले हो गए, सभी गलत नहीं है, पर इन गलत कुछ लोगों ने पूरे काले कोट को बदनाम कर दिया। लोग मर रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस उनका केस चलता रहे। तो देश के संविधान से मैं इतना अपील करना चाहता हूं कि संविधान को बदलो, धाराओं को बदलो,
गुलामी के प्रतीक स्वरूप इस संविधान को थोड़ा सा तो बदलो, कॉपी पेस्ट से बाहर तो निकले सरकार। मोदी साहब निश्चित रूप से अच्छा कार्य करते हैं, उनकी सराहना करना चाहिए, कार्य के अनुमोदना करना चाहिए, उनके टांगे खींचने पर लगे हुए हैं। और जब मैं मोदी साहब की प्रशंसा करता हूं तो लोग बोलते हैं, अरे बहुत अच्छे दिन आने वाले थे, अब तक अच्छे दिन क्यों नहीं आए? अरे बेवकूफ हो, मेरे शब्दों पर आप लोग जोर मत देना, मैं ऐसे ही बोलता हूं। यदि पसंद आता है तो सुनो, दो काम दिए परमात्मा ने, और यदि मेरे शब्द आपको नहीं पसंद आते मुझे ब्लॉक कर दो या कान में कपास रुई घुसा दो, पर मैं बोलता ही रहूंगा। गलत बोलता हूं तो आप मेरी जुबान पकड़ो। आइए, यहां गुजरात में स्वागत है आपका। कहो कि गुरुदेव आपको ये शोभा नहीं देता, मैं नहीं बोलूंगा। मोदी साहब की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो कहते हो कि अच्छे दिन आने वाले थे। अरे अच्छे दिन आने वाले थे, आएगी भी और आ ही रहे हैं, तो बुरे दिन थे इसका अर्थ यही हो गया, बुरे दिन थे। मोदी साहब ने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, आने वाले है, आएंगे। मेरे भाइयों जरा सब्र रखो, बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 माह इंतजार करना पड़ता है, फसल आने के लिए 4 माह इंतजार करना पड़ता है, गुठली डाल दो आम की तो 6 माह 10 महीना इंतजार करना पड़ता है, शादी हो गई दूसरे दिन औलाद नमोरियंताना, बस इतना समझिए। शब्दों की गरिमा को, शब्दों की महत्व का तो को समझो। सन्यासी से बात करते हो तो स्वयं सन्यासी बनकर के बात करिए। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं, भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं, मेरे सिपाहियों का, मेरे सैनिकों का, मेरे पुलिस दल का, मेरे न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूं, करता था, करता रहूंगा। यदि उनमें कोई खोट नहीं है तो जय भारतनाथ, जय मां भारती।